24 से जुड़ के आप और मैं हूँ आपके साथ शिल्पा शर्मा। डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन के द्वारा बड़ा कदम उठाया गया है, बड़ा एक्शन लिया गया है, जहाँ पर कसनी पुलिस स्टेशन में FIR जो है वो फ्रॉडर्स के खिलाफ दर्ज की गई है। आपको बता दें कि कल हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी जहाँ पर यह बताया गया था कि फेक ऑर्डर जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे काफी ज्यादा सर्कुलेट होते हुए नजर आ रहा था, जहाँ पर यह साफ तौर पर बताया गया था कि समर वेकेशन जो कि पढ़ने वाली है, बच्चों में जो है वो मिसलीड इन्फॉर्मेशन जो है वो फैलाई जा रही थी। इसको लेकर डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है, बड़ा कदम जो है वो उठाया गया है। मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर पे ये साफ तौर पर था कि 27/5/2024 से 22/7/2024 तक जो है वो छुट्टियां समर वेकेशन की जो पढ़ने वाली है, यानी कि जो समर जोन के अंतर्गत जो स्कूल आते हैं गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल, वहां पर ये समर वेकेशन की जो है वो छुट्टियां पढ़ने वाली है। इस ऑर्डर की बात करें तो ये ऑर्डर जो कि 22 तारीख को निकाला गया था और 23 तारीख को ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे काफी ज्यादा वायरल हो रहा था, जहां पर बच्चों को मिसलीड किया जा रहा था, बच्चों को मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो फैलाई जा रही थी। इस समय गर्मी का तापमान काफी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहा है, हालांकि बच्चों की भी ये मांग है कि जल्द से जल्द जो है वो समर वेकेशन अनाउंस की जाए, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए बच्चों के साथ जो है वो बच्चों के जज्बातों के साथ जो है वो खिलवाड़ करते हुए कई लोग जो है वो नजर आते हैं। फिलहाल जिस प्रकार से इस फेक ऑर्डर की बात करें तो ये फेक ऑर्डर पर जो है यानी कि 22 को यह निकाला गया और 23 तारीख को काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे जो है ये वायरल होते हुए नजर आया, और आपको रिपोर्ट पे भी ये दिखाया था कि किस प्रकार से ये ऑर्डर जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे काफी ज्यादा जो है वो वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के द्वारा जो है वो कंसर्निंग पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है, फ्रॉडर्स के खिलाफ जो है वो FIR दर्ज की गई है। इस समय गर्मी का तापमान काफी ज्यादा बढ़ रहा है, साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि बच्चे जो है वो ये मांग करते हुए भी नजर आ रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है वो समर वेकेशन की जो छुट्टियां है वो अनाउंस की जाए, क्योंकि गर्मी का जो तापमान है वो बढ़ते हुए नजर आ रहा है। जो गर्मी का इस समय तापमान है, स्तर है, वो 45 से 46 डिग्री, यानी कि आज की बात करें तो 42 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन 43-44 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो टेम्परेचर राइज हो रहा है, और आने वाले समय तक 31वें तक जो है वो 45 से 46 डिग्री तक टेम्परेचर जो है वो राइज होते हुए नजर आएगा। बच्चे काफी ज्यादा परेशान है क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है, घर से बाहर निकलना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं बच्चे भी बीमार जो है वो होते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर मैं आपको ये बता दूं कि आप यानी कि इस गर्मी के मौसम में जो है वो बच्चों बुजुर्गों का जो है वो खास तौर पर जो है वो ध्यान रखें, अपनी बॉडी को जो है यानी कि ज्यादा से ज्यादा लिक्विड जो है वो सेवन करें, अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट होने ना दे। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि बड़ा एक्शन जो है वो लिया गया है, जहाँ पे डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन के द्वारा जो है वो FIR कंसर्निंग पुलिस स्टेशन में FIR जो है वो फ्रॉडर्स के खिलाफ दर्ज की गई है। बच्चों के जज्बातों के साथ जो है वो खेला जा रहा है, कई लोग जो है वो बच्चों के जज्बातों के साथ खेल रहे हैं, क्योंकि बच्चे ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द समर वेकेशन हो, तो कहीं ना कहीं ये मिसलीड मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो आगे फैलाई जा रही है। और जिस प्रकार से इस ऑर्डर की बात करें तो कहीं ना कहीं कई बच्चे जो है वो खुश होते हुए भी नजर आए कि समर वेकेशन की जो है वो छुट्टियां पड़ चुकी है, लेकिन ये पूरी तरीके से फेक ऑर्डर है। कल भी हमने आपको बताया था और आज भी बता रहे हैं कि ये फेक ऑर्डर है और इस पर बड़ी कार्रवाई की गई है, बड़ा एक्शन लिया गया है। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के द्वारा कंसर्निंग पुलिस स्टेशन में FIR जो है वो दर्ज की गई है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन पर राय भी जरूर रखिएगा। कैमरा पर्सन शमी थापा के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।